चाहिए। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें हाथ, फिर इसकी पंखी वगैरह पे हाथ पड़ गया तो दोस्तों हाथ का काम ख़त्म कर दी है। और हम इस ट्यूबलाइट की अब ब्राइटनेस चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें हम अच्छे से इसमें काम भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं डीसी फैन और एक ट्यूबलाइट। आप देख सकते हैं दोनों, दोस्तों आप देख सकते हैं ये फैन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये फैन 12 वोल्ट से चलता है, और ये जो ट्यूबलाइट है ये भी 12 वोल्ट से चलती है। दोनों चीज़ हम आपको चला के दिखाएंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, अभी हम आपको चला के दिखाएंगे, बहुत तेज़ चलता है। अभी भी एक भाई की मेरी उंगली भी कट चुकी है इससे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से सावधानी उन्होंने नहीं बरती तो इससे उंगली कट चुकी है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड है इसमें, अभी आपको बताएंगे हम चेक करके। उससे पहले यहाँ पर हम आपको ट्यूबलाइट आपको दिखा देते हैं। इस तरीके का बॉक्स में आपको एक ट्यूबलाइट मिल जाएगी, और इसकी प्राइस भी आपको बताएंगे। तो इसे खोल के दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी लेंथ भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी लेंथ है। दोस्तों आप इसे इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हैं, एक 12 वोल्ट की बैटरी से, यदि आप चाहें तो बाइक की बैटरी से भी इसे ऑपरेट करा सकते हैं। वैसे मैं अभी इसे चेक कर रहा हूँ, एडेप्टर से मैं इसे चेक करूँगा। आप दोस्तों यदि इससे बढ़िया लाइट चाहते हैं तो करीब 2 एम्पियर का चार्जर इसमें ज़रूर यूज करें। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस चार्जर से इसे चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल इसमें लाइट भी है, या लाइट बुझा देना एक ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्टूडियो की लाइट बंद कर दी है, और हम इस ट्यूबलाइट की अब ब्राइटनेस चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें हम अच्छे से इसमें काम भी कर सकते हैं, कोई भी काम लिखाई पढ़ाई वगैरह या फिर कोई आप वर्क करते हैं तो इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो दोस्तों अच्छे तरीके से ग्लो करती है। तो चलिए इसे अब हम साइड में करते हैं, अब हम इस फैन की टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। करेंगे तो यहाँ से दोस्तों हम इसे निकाल लेते हैं, इसके बाद दोस्तों हम इसे साइड में रख देते हैं। और दोस्तों आपको ट्यूबलाइट कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। इसके बाद दोस्तों ये फैन, इस फैन को काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सावधानी से चलाना होता है। यदि थोड़ी सी भी इसमें मिस्टेक हुई या फिर इसकी पंखी वगैरह पे हाथ पड़ गया तो दोस्तों हाथ का काम ख़त्म, बचने वाला नहीं है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। अभी आप इसकी आवाज़ को सुनना जब मैं इसे ऑपरेट करा रहा हूँ, वैसे मैं इसे 2 एम्पियर के चार्जर से ऑपरेट करा रहा हूँ। यदि आपके पास मिनिमम 5 एम्पियर का एडेप्टर या फैन, आप बाइक की बैटरी से इसे चला सकते हैं। तो आप देखना दोस्तों जैसे मैं इसे इस बोर्ड में लगाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद ही चालू होएगी। यहाँ पे आप देखें कुछ सेकंड लगेगा इसे चालू होने में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एम्पियर लेती है, तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों अभी ये स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी इसमें स्पीड बढ़ने लगी है, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें हाई स्पीड होती है। यहाँ पर आप इसकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें हाई स्पीड होती है, यहाँ पर आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। चलिए थोड़ा मैं कुछ आपको कपड़ा वगैरह या फिर कागज़ वगैरह इससे चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसमें हवा आती है। तो यहाँ पे आप डोरी वगैरह देख रहे हैं, सब थिरक रही है। तो दोस्तों हम इस जैसे ही हम इस पनी को छोड़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पनी कहाँ पे जा रही है, इसमें ऊपर तक उड़ रही है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें तेज़ हवा है, और थोड़ा सा सावधानी का बस काम है इसमें, क्योंकि इसमें जो पंखी लगी हैं वे मेटल की हैं, और इसमें आसानी से हमारा हाथ कट सकता है। तो दोस्तों ये 12 वोल्ट का फ़ैन है, थोड़ा सा आपको मैं इसका डेमो भी दिखा देता हूँ लगा लाने। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके राउंड काफ़ी ज़्यादा राउंड हैं दोस्तों इसमें। अभी थोड़ा सा एक बार और आपको मैं इस पनी की टेस्टिंग करा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें जैसे ही मैं इस पनी पर लगा रहा हूँ इसे, इसकी आप देख सकते हैं दोस्तों पनी हमारी कहां कहां जा रही है और कितनी घूम रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है दोस्तों इसमें। तो अभी हमने आपको चेक करा दिया है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं इसे पहले बंद कर लेता हूँ। अभी भी दोस्तों ये घूम रही है बंद करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा राउंड इसमें होते हैं। अभी भी हम इसे पकड़ लेंगे तो हमारी उंगली कट जाएगी। और इसकी आप ब्लेड देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकीली इसकी ब्लेड है,
तो भूलकर भी दोस्तों यहाँ पे आप टच मत कीजिएगा, यदि इस टाइप का आप फैन लेते हैं तो भूलकर भी इसे टच मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी उंगली वगैरह कट जाएगी। यहाँ पे आप इसकी बैक साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे सब मेंशन दिया हुआ है, डीसी 12 वोल्ट 3.3 एम्पियर से ऑपरेट होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ, और नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।